नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। यूपीएस और ओपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान, 30 अगस्त 2024 की लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर हमेशा आपको मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा है कि हाल ही में पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस योजना नई योजना है, इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के जगह नहीं लाया गया है। जी हाँ, यूपीएस नई योजना है, एनपीएस के जगह नहीं लाया गया है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये यू टर्न वाला कदम नहीं है, ये ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अलग है, ये स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है। उन्होंने कहा है कि यूपीएस बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हो पाएंगे। यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर गणना में उपयुक्त बैठती हैं और सरकार पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकांश राज्य यूपीएस को अपनाएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत योजना पेंशन योजना को लागू करने को मंजूरी दी थी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने पेंशन योजना पर यू टर्न लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आजकल कांग्रेस व्यापक अध्ययन के बिना टिप्पणी करती हैं, जो पहले नहीं होता था। उन्होंने इंडेक्सेशन लाभ को बहाल करने के कदमों का बचाव करते हुए हाँ कि यह पलटी मारना नहीं है बल्कि नया बदलाव है। तो वित्त मंत्री जी का ये बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि यूपीएस नई योजना है, इसे एनपीएस की जगह नहीं लाया गया है। तो इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये थी एक लेटेस्ट जानकारी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।